मुझे यहाँ आए इतनी देर हो गई, मेरा ऑर्डर कहाँ पे है? मेंबर साहब 2 मिनट वेट कर लीजिए, अभी आ जाएगा आपका ऑर्डर। देखो मेरा मूड पहले से बहुत खराब है, जाओ अपने मैनेजर को बुला के लेके आओ। मैं यहाँ का ऑनर हूँ और आज मैनेजर भी और वेटर भी मैं ही हूँ, क्योंकि खराब मौसम होने की वजह से ना स्टाफ आज आया नहीं, तो इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। आप प्लीज थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। कहाँ हो तुम? मुझे टाइम देकर तुम खुद नहीं आए, 1 घंटा हो गया मुझे यहाँ बैठे हुए। अरे जानवी मैं बस निकल गया हूँ, वो बॉस ने ना छुट्टी नहीं दी थी, बस 15 मिनट में पहुँच रहा हूँ तुम्हारे पास। कि तुम्हारा ना ये हर बार का बहाना हो गया, तुम कभी टाइम पे नहीं आते। और अगर तुम मुझे टाइम नहीं दे सकते, इस रिलेशनशिप को टाइम नहीं दे सकते, तो फिर क्यों हो तुम मेरे साथ? हो क्यों? शिवाली समझा करो, ऑफिस में बहुत सारा काम था और बहुत सारे लोग छुट्टी पर थे, काम का प्रेशर बहुत ज्यादा था, आज के लिए सॉरी। कोई सॉरी नहीं, मैं एक ऐसे इंसान के साथ बिल्कुल नहीं रह सकती जो मुझे टाइम नहीं दे सकता और इस रिलेशनशिप को टाइम नहीं दे सकता। शिवाली मैं सब हमारे लिए ही तो कर रहा हूं। मुझे नहीं चाहिए ये सब, इट्स ओवर। और तुम यहाँ खड़े होके मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ जाके ऑर्डर लेके आओ। जी अभी लाया। यश, यश मैं कब से तुम्हें फोन कर रही हूँ, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? अरे वो मेरा फोन काउंटर पर रखा है, तो इसलिए मेरा ध्यान नहीं गया होगा। ध्यान नहीं गया होगा? और कितना झूठ बोलोगे तुम मुझसे? झूठ बोलूंगा? अरे मैं क्यों तुमसे झूठ बोलूंगा, वो आज ना स्टाफ काम पे नहीं आया है, तो सारा काम ना मुझे को संभालना पड़ रहा है, बस इसीलिए मेरा ध्यान नहीं गया होगा यार फोन पे। तो आज हमारी क्या बात हुई थी कि तुम मुझे शॉपिंग पर लेकर चलोगे? कहीं तुम्हें मुझे शॉपिंग पर ना ले जाना पड़े, इसके लिए झूठ बोला ना तुमने मुझसे, और इसलिए तुमने मेरा फोन नहीं उठाया। अरे मैंने तुम्हें मॉर्निंग में कॉल किया तो था, और तुम्हें ये भी बताया था कि आज हम इवनिंग में शॉपिंग पर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि यार जो भी काम है वो सारा मुझे को करना पड़ रहा है, कभी तो समझा करो यार मुझे जानवी। कितना समझूं मैं तुम्हारे काम को यश, तुम्हारे लिए सब कुछ तुम्हारा काम ही हो गया है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ ना तुम्हारी लाइफ में। अच्छा लिसन, अगर तुमसे ये रिलेशनशिप नहीं संभल रहा है ना, तो बता दो मुझे, मैं चली जाऊंगी तुम्हारी लाइफ से। जानवी 2 महीने बाद हमारी शादी है, और तुम अभी से मेरा तुम्हारा कर रही हो। शादी? मैं ऐसे इंसान के साथ शादी नहीं कर सकती जो मुझे ना समझे और मुझे कोई प्रायोरिटी ना दे, सारी प्रायोरिटी अपने काम को दे। और तुम्हें पता है यश, मैं हमेशा एक ऐसा लड़का चाहती थी जो मुझे अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी बनाए। जानवी ये मेरा काम है और इसी से पैसा आएगा, और उसी पैसे से ना घर चलता है, और उसी पैसे से तुम्हारी शॉपिंग भी होती है। अरे नहीं चाहिए मुझे ऐसा पैसा यार, जो इंसान मुझे टाइम नहीं दे सकता, मुझसे प्यार नहीं कर सकता, मेरे लिए टाइम ही नहीं है तुम्हारे पास यार, मैं क्या करूँगी तुम्हारे साथ रहकर। और ये पकड़ो अपनी अंगूठी, मुझे नहीं चाहिए और ना मुझे तुम्हारे साथ रहना है, ब्रेकअप। और शादी भी ना तुम अपने काम से ही कर लेना, ठीक है? जानवी सुनो, जानवी, जानवी सुनो। एक मिनट सुनो, ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी? हाँ। ये कैसी गर्लफ्रेंड है तुम्हारी, उसे समझना चाहिए तुम यहाँ काम कर रहे हो, बिजी हो, तुम्हारी मजबूरी तो समझे एटलीस्ट। अच्छा आप समझती हो, अभी अभी 2 मिनट पहले आपने अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप इसलिए किया था टाइम की वजह से ना, कि वो आपको टाइम नहीं दे पा रहा। मैम दूसरों को बोलना ना बहुत आसान होता है, लेकिन जब खुद पे बात आती है ना तो कोई नहीं समझता। मैडम हम लड़के ना अपनी वाइफ अपनी गर्लफ्रेंड के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, ताकि उनको एक अच्छी लाइफ दे सके, लेकिन हमें कौन समझता है, कोई नहीं। हेलो बेबी आई एम सॉरी, मैंने गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल दिया। कोई बात नहीं, मुझे पता था तुम गुस्से में थी, अब 2 मिनट में पहुंच रहा हूं मैं तुम्हारे पास। इट्स ओके मैं वेट कर रही हूं, तुम आराम से आ जाओ।